बच्चे के लिए माँ बाप का प्यार सबसे अनमोल होता है, लेकिन ये कहीं बच्चों के नसीब में नहीं होता है। अफ्रीकी देश रवांडा में एक नवजात के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ रहने वाली बजनेजा लिबरेटा अपने नवजात बेटे को देखकर डर गई। एक अजीबोगरीब बीमारी के चलते उनके बेटे की शक्ल खराब हो गई थी। उसे बेबी बॉर्न विद एलियन फेस कहा जाने लगा। बेटे की ऐसी शक्ल देखकर पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। उसने बजनेजा लिबरेटा से यहाँ तक कह दिया कि अगर उसे अपने पति के साथ रहना है तो उसे बच्चे को छोड़ना होगा। लेकिन बजनेजा ने अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ा। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान किस रूप में आए और आपकी मदद करें आप समझ भी नहीं पाएंगे। ऐसा ही हुआ बजनेजा के साथ। अपने पति द्वारा छोड़े जाने के बाद बजनेजा अपने बेटे के इलाज के लिए इधर उधर भटक रही थी। सोशल मीडिया पर जब उनका ये हाल वायरल हुआ तो अचानक उनकी मदद के लिए कई लोग आ गए। अब लोगों ने ऑनलाइन कम्युनिटी के जरिए बजनेजा के बच्चे के इलाज के लिए करोड़ों रुपये जमा किए हैं। इस बच्चे को उसके पिता ने शैतान का रूप घोषित किया था, लेकिन अब लोगों की मदद से उसके इलाज के लिए पैसे जमा किए जा रहे हैं। रवांडा की बजनेजा को उसके पति ने छोड़ दिया है। अब महिला अकेले अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे जुटा रही है। हालांकि डॉक्टर भी बच्चे की हालात देखकर हैरान है। डॉक्टर अभी तक यह नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर बच्चे की शक्ल ऐसी कैसे हो गई। महिला ने अपनी दुख भरी कहानी ऑनलाइन शेयर की थी, जिसके बाद कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। महिला ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि उसके पति ने उसे अल्टीमेटम दिया था कि अगर उसने उसके बेटे को नहीं मारा तो वह उससे सारे रिश्ते तोड़ देगा। महिला ने बताया कि उसके पति को लगता है कि उनका बेटा शैतान का रूप है। बजनेजा को उसके ससुराल वाले और पति अकेला छोड़ गए। इस वजह से उसको अपना और अपने बेटे का पेट भरने में भी परेशानी हुई। उनके बच्चे का चेहरा अजीब है, इसी वजह से कई लोग बच्चे को एलियन कहते हैं। एफ्री मैक्स इंग्लिश को दिए इंटरव्यू में बजनेजा ने बताया कि उन्होंने पहले भी बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उनके किसी बच्चे की ऐसी हालत नहीं थी। डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे कि उनका बेटा ऐसा कैसे हो गया। हालांकि अब उन्होंने लोगों की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। अब तक इलाज के लिए 58 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। ऐसे ही अतरंगी और खास खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दरबार से। धन्यवाद।